नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हादसे से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहां पर आपकी जो पहले क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर यहां पर आएंगे। तो पहले प्रश्न आपका ये है कि जॉब या बिजनेस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हथेली में मरकरी लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखी है और ऊपर से ये निर्दोष है। निर्दोष रेखा वो होती है जिसको कोई रेखा काटे ना और जो अपने मार्ग तक बड़ी सरलता से पहुँच रहे हो या फिर पहुँच जाए। यहाँ पर एक तो ये लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दूसरा एक फॉर्मेशन और है, जब भी मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होती है और उसको काटने वाली एक और अनदर लाइन होता है, तो इस कंडीशन में यह कुल मिलाकर के बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन स्टार्टिंग टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज लाइफ में देता है। स्टार्टिंग टर्म इन द सेंस कि मिड लाइफ तक, मिड लाइफ यानी हो जाएगा 35-37 के एज के आसपास तक स्ट्रगल फेस करना ऐसा पड़ता है कि अंडर रेटेड वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाती और कहीं ना कहीं मनचाहा परिणाम या ज़्यादा फाइनेंशियली लेवल पे अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है। लेकिन 35-37 का एज जैसे ही क्रॉस होता है वैसे ही बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती है और देन आफ्टर ये जो मरकरी है ये आपको बिजनेस में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अपर पोजीशन में लेकर के जाता है या फिर और नए अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में व्यापार के रिगार्डिंग आने लगता है। थोड़ा कटु वचन इस कंडीशन में कई मरतब मुँह से निकलता है, अदरवाइज़ देखा जाए तो कोई मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके कंपेरिजन में अगर सूर्य पर बात करें तो सूर्य की रेखा आपके हथेली में है अच्छी, लेकिन इसको काटने वाली कोई भी अगर एक दो रेखा हो जाए तो करियर के रिगार्डिंग, खासकर जॉब के रिगार्डिंग, ये अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देता है। तो जॉब में आप चल तो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे या फिर वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ आपको इसी क्रॉस के कारण नहीं मिल पाएगा अथवा चीटिंग के चांसेस थोड़े आपको ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ दूसरा प्रश्न आपका जो उठ करके आ रहा है, लव और अरेंज मैरिज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो जुपिटर माउंट है उस पर सबसे पहला तो क्रॉस का साइन भी है और इसी क्रॉस के साइन से जो है अटैच्ड एक स्क्वायर का साइन भी बनता दिख रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है लव मैरिज की तरफ ही इशारा करता है और इस कंडीशन में 80% चांसेस लव के होते हैं। 20% केसेस में ये देखने को मिलता है कि पार्टनर एकाएक जीवन में आते हैं अरेंज मैरिज के थ्रू और एकाएक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन और बहुत गहरा रिश्ता लगातार बनता चला जाता है, यानी कभी वो रिश्ते में कमी होती नहीं है या इंटरेस्ट कभी लूज ही नहीं होता है। तो ये क्रॉस का साइन इसीलिए मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। क्रॉस का जो साइन है उसके विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी यस क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी है, तो इस कंडीशन में यह खासकर आपको बहुत अच्छा लीडर बनाएगा, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होना, ईश्वरीय कृपा होना, ये सभी कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। तो चाहे लाइफ में कितना ही ऑब्स्टिकल स्ट्रेस क्यों ना हो लेकिन हर सिचुएशंस को ईजिली हैंडल करते हुए आगे निकल पाने में सक्षम होते, तो एक डिवाइन हेल्प इस कंडीशन में 100% मिलता है और आपके द्वारा किया गया किसी के लिए दुआ बहुत जल्दी फलित हो जाता है। और इसके बाद बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में तो वो है फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपकी लक लाइन तो क्रिएटेड है, मून के एरिया से ये चल भी रही है लेकिन बहुत प्रोमिनेंट कोई साइन नहीं है जैसे जुपिटर या सैटर्न पर रेखा नहीं पहुँच पा रही है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग है लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के कोई भी प्रोमिनेंट योग ना होने के कारण अभी कोई इसके रिगार्डिंग परमानेंट प्रेडिक्शन आपको नहीं दिया जा सकता है। पूर्व पुण्य रेखा आपके हथेली में है क्योंकि जब भी बाहरी मंगल से सूर्य की तरफ रेखा आती है तो इसे डेडिकेशन लाइन यानी पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में इस जन्म में बहुत सारे लोग आपकी मदद करने या फिर आपसे मदद लेने के लिए आएंगे, अपना जो भी जिनका हिसाब किताब है वो सब करने के लिए आते हैं। दूसरा, लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क देखने को मिलता है, कोई भी काम आसानी से नहीं बनता लेकिन आपका भी जो डेडिकेशन है वो आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए लाइफ में स्ट्रगलिंग जो है लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन जब फ्रूटफुल रिजल्ट आना शुरू होता है तो लगातार समृद्धि, सुख सुविधा या फिर जो जीवन शैली है उसमें शुभ परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस कंडीशन में मोक्ष प्राप्ति के योग भी निर्मित होते हैं और जीवन में तरक्की 100% मिलती है। अब आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। जहाँ तक जेम स्टोन्स की अगर बात करें तो उसका पामिस्ट में सजेशंस नहीं दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेटली फलित नहीं होता, उसके लिए कुंडली देखना ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है, खासकर फिंगर की लेंथ, वो पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन ले लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी रिएक्ट करना ताकि रिजल्ट जल्दी देखने को मिल सके। पेशेंस कम होता है, बेचैनी ज़्यादा होती है, उत्साही किस्म का व्यक्तित्व तो होता है, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं और अपने अंडर में आप दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर के लिए तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है,
तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। इनफैक्ट एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। कमिटमेंट जो देंगे डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे। और फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इसलिए आप जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते और लोगों को लगता है कि आपके अंदर ईगो है। इस कंडीशन में ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, तो ज्ञान हर क्षेत्र के बारे में अच्छा देखने को मिलता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है, तो बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ कंधों पर लेकर के चलने वाले होते हैं, या कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच, तो वहीं आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले बार बार अनबन मतभेद दूरियों को व्यक्त करता है। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को इंडिकेट करता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजर्स यहाँ आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक नेचर होता है रातगी बादगी वाला, बहुत जल्दी लेट गो या मूव ऑन कर पाने में सक्षम होते हैं। बहुत पुरानी बातें, बेकार की बातें ध्यान में रखना ये आपके नेचर में नहीं है। बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप का नेचर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी क्रिएट करता है। यव का चिन्ह है लेकिन ओपन है, तो पैसा तो जीवन में बहुत बेहतरीन आएगा, रुकने नहीं वाला है। खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कोई काम कंसिस्टेंसी में आपसे नहीं हो पाएगा। रुक रुक करके काम करने की आदत आपके अंदर देखने को मिलेगी, और बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजन या प्लानिंग्स में भी आप चेंजेस करते हुए पाए जाएंगे। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है, और शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। आपका लोअर जो यहाँ पर पाम पोजीशन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा और इंडिपेंडेंट नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी रहेगा। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन ये ज़्यादा मेंटेन आपसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जब भी जुपिटर के ऊपर क्रॉस का या स्क्वायर जैसा साइन क्रिएट होता है तो समाज में पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ओवरऑल अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो कभी किसी प्रकार के सुख सुविधा या संसाधन की कमी होती नहीं है। जुपिटर के तरफ सैटर्न जो है थोड़ा सा एफ्लिक्टेड हो रहा है, यानी थोड़ा सा खिसक रहा है, इसलिए मैरिड लाइफ का सुख थोड़ा देरी से यहाँ देता है। और सैटर्न माउंट जब भी दबता है तो कहीं ना कहीं आलस से आता है, नहीं तो काम होने में देरी देखने को मिलती है। सैटर्न रेमेडीज़ के द्वारा ये सारे प्रॉब्लम इश्यूज ख़त्म होते हुए देखने को मिलते हैं, और जितने भी इसके अलावा आड़ी रेखाएं हैं आपके जुपिटर पे, ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को, बच्चे संस्कारी होने के योग को, आपके खुद बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल पर्सनैलिटी होने के योग को, जिसके अंतर्गत दान धर्म, पूजा पाठ या सोशल वर्क करने से पीछे न हटना, और डबल सोर्स ऑफ फंडिंग को भी ये क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है। थोड़ा लेट इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं लेकिन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ें बढ़ेगा। सैटर्न को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, तब जाकर के आपको आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट यानी सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। आपकी जितनी भी लक लाइन है वो मून से कनेक्टेड है, तो आप मन का तकरीबन सारा काम करते हैं, लेकिन वही है कि यहाँ पर बहुत जल्दी आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है क्योंकि रेखा सैटर्न तक पहुँच नहीं रही है। तो इसीलिए बार बार काम में परिवर्तन होना या इंटरेस्ट लूज होने के कारण कोई नया काम शुरू करना, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि काम तो कोई भी शुरू हो जा रहा है, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी पड़ता है, ताकि आपको लाइफ में इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबलाइजेशन हो सके। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते, और यशस्वी योग भी है तो खुद के दम पर अपना आलिशान घर बना पाना, नाम इज्जत कमा पाना, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट और इनकम जनरेट कर पाने के योग निर्मित होते हैं। जब भी विंडो का साइन सूर्य के ऊपर होता है, मंगल से कनेक्टेड, तो इस कंडीशन में प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए आप हमेशा इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट के रिगार्डिंग करते रहा करें। आपका लक ऐसा है कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर आपको कागजी कार्रवाई में बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि आपके मरकरी पे भी क्रॉस का साइन है, सूर्य पे भी क्रॉस का साइन है, तो प्रॉपर्टी मिलना या फिर कागजी किसी प्रकार का कार्रवाई होना या साइन होना, इन सब में बहुत उठापटक होता है। लेकिन आपका एक भी अगर प्लॉट हो गया या एक भी आपने कहीं भी अपना खुद का प्रॉपर्टी ले लिया, आप देखिएगा कुछ समय में उसके क्या दाम होंगे, कुछ समय में कितना ऊपर वो जो चीज़ है वो उछल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो विंडो साइन है ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाता है, और इसी अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर्गत सूर्य हमारा नेम, रिस्पेक्ट एंड मनी के साथ साथ हमारे वेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, हमारे सिक्योरिटी का कारक है कि हमारे लाइफ में सिक्योरिटी आ कहाँ से रही है। तो जब मंगल का कनेक्शन से स्क्वायर या विंडो साइन बनता है तो हमेशा प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है। प्रॉपर्टी हो गया या फिर मकान हुआ, और यहाँ पर किराए का भी मकान हुआ,
ये जितनी भी चीज़ें आप अर्जित करते जाइए आपका भाग्य बढ़ता चला जाएगा, खासकर वेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ बात किया जा रहा है। और अगर आप चाहें तो राजनीति में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका सूर्य पर स्क्वायर और एक प्रकार से विंडो साइन है और जुपिटर पे आपके क्रॉस का साइन है, तो इस कंडीशन में जो कनेक्शन है वो समाज में बड़े तख्तों के साथ बहुत अच्छे से हो पाता है। बड़े तख्त यानी जो लोग पावर पोजिशन में, तो ये सूर्य वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। संघर्ष देखिए उसमें भी रहेगा लेकिन आपको पावर पोजिशन मिल सकता है। अच्छा, मरकरी माउंट जब भी डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में बातचीत की जो सक्षमता है वो कुल मिलाकर के बढ़िया देखने को मिलने लगती है। थोड़ा बहुत भी यहाँ पर आपके आड़ी रेखा होती है तो हमेशा शॉर्टकट में काम कराना या फिर एक प्रकार से अलग तरीके से काम कराने के योग या फिर घुमा फिरा करके बात कहने के योग भी थोड़े निर्मित होते हुए देखने को मिलते हैं। हालांकि ये मरकरी रियल इस्टेट में भी लेकर के जाता है, स्टॉक मार्केट में भी लेकर के जाता है, ट्रेडिंग में भी लेकर के जाता है। आप इन सब से जो है लाभ अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है या फिर कम्युनिकेशन है उसके द्वारा आपको जीवन में ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, इसलिए आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें अपने जो है स्पीकिंग टोन या स्किल्स के ऊपर। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वहाँ पर गोपुंछ की आकृति है, तो एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। और जब भी मरकरी पे क्रॉस का साइन हो जाए, क्रॉस मतलब आड़ी रेखा हो जाए और बायफोर्क का साइन हो जाए, तो आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं और समझने वाला समझता कुछ और है। हंसी मजाक में आप जो है थोड़ा व्यंग कसते हैं और सामने वाला सीरियस ही हो जाता है, तो इस कारण से भी रिलेशन जो है डिस्टर्ब होते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर एडवाइस दिया जाए कि बातचीत के टोन और सेंस पे आपको काम करना ज़रूरी है। वहीं जो आपकी हृदय रेखा है, बहुत सारी रेखा यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, जब ऐसी नीचे रेखा आती है तो धोखा बहुत जल्दी मिलता है। जिस जिससे एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहाँ से चीट होने के चांसेस क्रिएट होते हैं या फिर इमोशनल हर्ट होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। सबसे मेजर बात, कभी एक्सपेक्टेशन किसी से ना लगाएं। आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य पर खुद आपके वी सिंबल का साइन है, सैटर्न भले ही दबा हुआ है लेकिन यहाँ पर लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए आप अपना भाग्य खुद अपने मेहनत से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इमोशनल रिएक्ट करने से या इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है वो जुपिटर से कंजंक्ट इनडायरेक्ट वे में हो रही है सपोर्टिव लाइन के द्वारा, इसीलिए आप इमोशंस में या सेंटिमेंट में आकर के डिसीजन ज़्यादा लेते हैं और मूड स्विंग के प्रॉब्लम भी होता है। मूड स्विंग के प्रॉब्लम में ये रहता है कौन सी बात अच्छी बुरी लग जाए, कब आपका नेचर सीरियस प्रैक्टिकल हंसमुख या एग्रेसिव हो जाए, ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिल के साफ है तो कभी किसी का बुरा चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपके मंगल की तरफ जा रहा है जो मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, तो कुंडली मिलान करके इसमें मैरिज करने का सजेशन दिया जाता है। और हनुमान जी की आराधना से एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन ये सारी चीज़ों में कंट्रोल होता है और फोकस बहुत अच्छा क्रिएट होने लगता है। टास्क जो है आधे अधूरे जो रह जाते हैं वो कंप्लीट होना शुरू होता है, तो ये सैटर्न के लिए भी बहुत अच्छा रेमेडी है। इसके अलावा यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन के बारे में देखेंगे तो देखिए, इतना जब आइलैंड होता है तो बचपन तो बिल्कुल कष्टकारी ही जाता है, शारीरिक मानसिक घरेलू ये तीनों तकलीफें देखने को मिल जाती है। बचपन में दुनियादारी सीख लेते हैं वैसी वाली बात हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाता, बचपन अच्छे से जी नहीं पाते या फिर ज़्यादा खुशहाल बचपन होता नहीं है, बचपन की यादें भी ठीक नहीं रहती है। फिर इसके बाद क्या हुआ आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में कि इसमें धीरे धीरे कर जो है ओवरलैपिंग होना शुरू हुआ। जब ऐसा ओवरलैपिंग होता है तो ये हेल्थ में, लाइवलीहुड में, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, इन चारों चीज़ों में सुधार लाता है। और ये सुधार आपके जीवन में जो आना है वो शुरू हुआ था 19 से और ये कंटिन्यू अभी भी चल ही रहा है, सुधार हो ही रहा है। 36 के इस तक ये पीरियड है। माइंड लाइन के फॉर्मेशन में देखेंगे तो माइंड लाइन भी स्टेबल चलने लगा। फिर यहाँ पर जो है एक और दो दफ़ा यहाँ पर हल्के से आइलैंड और डिस्टर्बेंस आई है। इसका अगर एज काउंटिंग किया जाए तो ये 29 का पीरियड दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है यहाँ पर अराउंड 32 से लेकर 34 का एज। इन दोनों पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग ही सफल नहीं हो पा रहा है, इतना बड़ा इश्यूज़ ये दे रहा है। ऊपर से जब राहु रेखा क्रॉस करती है तो इल्यूजन देता है। आपके जीवन में अभी जो भी लोग आ रहे हैं वो आपको यूज़ करने, मिसगाइड करने या फिर कहीं ना कहीं चीट करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात, आपको भ्रमित किया जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए मेजरली लाइफ में, या कोई एक प्रकार से प्लानिंग पर रिएक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का नया काम तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब राहु की रेखा ऐसे माइंड लाइन को क्रॉस करती है, पहली बात तो ये भ्रमित करती है, दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। और इस कंडीशन में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी ये मेंटल लेवल पे बढ़ा देता है, ये करना है, वो करना है, 10 काम और मिल गए तो वो करना है, या फिर कि कोई अनदर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना, तो वो जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो तो है ही नहीं, और ऊपर से विज़न भी क्लियर नहीं है, और ऊपर से
जो काम करने जा रहे थे उसमें कंसिस्टेंसी भी नहीं है, तो इस समय थोड़ा काम को अगर पोस्टपोन ही कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लंबे समय तक ये प्रॉब्लम नहीं है, 35 के बाद आप कभी, या 35 के ही एज से आप इनिशिएटिव लीजिए, आप अपने व्यापार में बड़ा रिस्क लीजिए, रिस्क इन द सेंस कि लोन लेकर के भी अगर चाहें तो काम करिए, आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस लाइन निकला, और उसके बाद जा करके ये प्रोग्रेस लाइन जब निकली है जो बिज़नेस में ग्रोथ देती है, इसके बाद देखिए आपकी माइंड लाइन कितनी स्टेबल चल रही है, और इसके पहले की माइंड लाइन देखिए एकदम स्ट्रगल से लबरेज है, पूरा भरा पड़ा है। तो यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन में मेंटली चैलेंजेस तो आते रहे हैं, लेकिन हाँ 35 के बाद में नहीं आएंगे। और वैसे भी जब क्रोसस के ऐसे साइंस होते तो, या फिर सूर्य के ऊपर भी सिंबल हो, तो सेकेंड हाफ जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, और यहाँ पर भी क्रॉस यही इंडिकेट कर रहा है मरकरी पे भी। माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, ज़रूरी नहीं कि डिग्रियाँ बहुत बड़ी हाथ में हो, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा पाया जाता है, सीखने समझने की सक्षमता, बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत जल्दी समय परिस्थिति को भांप पाने में, या निर्णय ले पाने में, निर्णयों में परिवर्तन कर पाने में, ऑब्जर्व कर पाने में, एनालिसिस कर पाने में, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाफ पर डिसीजन ले पाने में, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में, या उस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। आउटर मार्स से कनेक्ट हो गया माइंड लाइन आपका, तो इस कारण से ये आपको साहसी बना देगा, कभी किसी प्रकार के विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों से डरते घबराते नहीं हैं, और हर प्रकार के चैलेंजेस का, मुसीबतों का सामना डट करके यहाँ पर कर पाने की योग्यता ये देता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जितनी भी मरकरी लाइन जब क्रॉस होने लगती है तो ये इंटेलिजेंसी और अर्निंग कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करता है, इसीलिए आपके व्यापार में प्रगति के जो योग हैं वो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और माइंड लाइन जब स्मूथ चले तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें लाइफ में आता है, तो ये 35 के एज तक आ रहा है, इसीलिए बहुत पॉजिटिवली चेंजेस अब आपकी लाइफ में तकरीबन आ जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर इतनी सारी जब स्ट्रेसेस लाइन काट के जाती है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, या माइनर इश्यूज, या इतने सारे लाइफ में ट्रबल क्रिएट करता है कि कोई काम चाह करके भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। आप अगर सोच रहे हैं 2 दिन में ये करना है, कल के दिन में ये करना है, और कल होने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो पोस्टपोन करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब ये सारी रेखा होती है तो ये सीधे के सीधे ऑब्स्टिकल्स को ही क्रिएट करती है, और इसके लिए आपको रेमेडी प्रेफर करना ज़रूरी है। और ऊपर से सैटर्न भी वीक है तो वो फ्लुएंट कोई काम होने नहीं देते। फ्लुएंट का मतलब कि एक मेहनत में कोई काम नहीं होगा, जो काम होगा 2-3 एफर्ट या उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत भागा दौड़ी से ही होगा, या जब इंटरेस्ट लूज होने लगेगा तब झटपट काम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये सैटर्न रेमेडी जब आप करेंगे तो ये राहु के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये सब खत्म होंगे। अभी तक आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर सपोर्ट सिस्टम नहीं बना, या फिर कोई बहुत मेजर फ्रेंडशिप नहीं हो पाई, या फिर कोई अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम रेडी नहीं हो पाया, लेकिन तकरीबन 35 के एज से ये दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लाइफ लाइन के पैरेलल चलना शुरू हो रही है, और ये आपकी स्पाउस की ही लाइन है, जिसके कारण आपको डिवाइन हेल्प भी मिलेगा, उनके तरफ से सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, जिसके तहत सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होंगे, और जो भी दुख तकलीफ परेशानी हल्की फुल्की आ भी रही है वो सब ओवरकम होगी। सपोर्ट सिस्टम मिला, डिवाइन हेल्प मिली, पर ऐसे बहुत कोई क्लोजनेस सपोर्ट लाइफ में मिल नहीं पाए, लेकिन वो अभी आने वाले समय में आपको मिल पाएगा। लाइफ लाइन का जो फ्लो है मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो करियर ओरिएंटेड आप ज़्यादा रहेंगे। इंटरनल मार्स का कनेक्शन माइंड लाइन से बहुत है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी या एग्रेशन में निर्णय लेने से बचना चाहिए हमेशा। आउटर मार्स डेवलप ठीक है तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। शुक्र डेवलप ठीक है जो लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को इंडिकेट करता है, तो कभी अपने कंफर्ट्स की रिगार्डिंग सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐसा शुक्र यहाँ पर देता है। आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती हैं, आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की रिगार्डिंग या किसी प्रकार के रिलेशन के रिगार्डिंग जजमेंटल ज़्यादा हो जाते हैं, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण रिलेशन में खटास भी आती है। इसलिए जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, किसी को चेंज करने की कोशिश ना करें, ये शुक्र आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और प्लेजर सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट करके देंगे। और ये शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा भी, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए, इसलिए उसको ग्रैब करें। और ये शुक्र आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी दे सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सब के रिगार्डिंग, या फिर कैफे के काम करने के रिगार्डिंग, क्योंकि शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो यूथ के रिगार्डिंग काम करना, लग्जरीज, कंफर्ट, कॉस्मेटिक, फैशन, इन सब के रिगार्डिंग काम करने से भी लाभ अच्छा मिलता है। केतु का फॉर्मेशन वैसे ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, बट यस बाय फोर का है, तो सडन गेन और प्रोग्रेस के चांसेस क्रिएट होते हैं। सूर्य के ऊपर यानी चंद्र के ऊपर क्रॉस का जब साइन हो तो रेस्टलेसनेस देता है, नेगेटिव थॉट आते हैं, मन ज़्यादा भटकता है। इस कंडीशन में हमेशा पानी लोगों को पिलाते रहना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए,
गले में चांदी का चेन पहन सकते हैं, और इस कंडीशन में जितना हो सके डोनेशन देते रहना चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए, तो चंद्र ठीक रहता, तो मन ऐसे विचलित नहीं होता, भटकता नहीं है, और मन जो है अशांत भी फिर ऐसे नहीं होता है। और विदेश यात्रा के सूचक ये है, तो विदेश यात्रा तो आपके जीवन में निश्चित रूप से लिखी हुई है। सेटलमेंट का कोई भी प्रोमिनेंट साइन अभी यहाँ पर जनरेटेड नहीं है, और यस मनी ट्रायंगल भी है, पैसा जीवन में हमेशा इनफ अमाउंट में आपके अवेलेबल रहेगा। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लक लाइन मून से ही निकला हुआ है, इसीलिए फॉरेन कनेक्शन कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छे देता है, और यहाँ से रेखा निकल के डायरेक्टली कोई भी सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए अपने लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना शुरू कर दें कि आपको क्या जीवन में चाहिए, किस प्रकार से आप अपने लाइफ को देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड पे जो है आपको जो कंसर्न है, फोकस है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे थोड़ा दूर होना चाहिए, तब जाकर के लक पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके जीवन में पैसे की, अर्निंग की या काम की कभी कोई कमी नहीं रहेगा, कमी रहेगा तो सिर्फ स्टेबिलिटी की, सेटिस्फेक्शन की और फ्रूटफुल रिजल्ट की। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, और किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी लफड़े वाली जैसी चीज़ों से दूर रहेगा, क्योंकि इसमें जाने के चांसेस या इसके द्वारा अफेक्ट होने के चांसेस भी थोड़े आपके पाम में ज़्यादा हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।